तो देखो क्लास 9 से यह क्वेश्चन लिया गया है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि एक्सरसाइज 10.4 का है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर, मान लो कि एक पार्क है, गार्डन है या कुछ भी है, उससे लेना देना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक सर्कुलर प्ले ग्राउंड है और उस प्ले ग्राउंड पे रेशमा, सलमा और मनदीप नाम की तीन लड़कियां है, और रेशमा और संदीप के बीच का जो दूरी है, सॉरी संदीप कहते हैं, सलमा के बीच का जो दूरी है वो 6 मीटर है और सलमा और मनदीप के बीच का दूरी जो है वह है 6 मीटर का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। यही बात इतना बड़ा कहानी के साथ लिखा गया है कि रेशमा और सलमा के पास, सलमा के बीच का जो डिस्टेंस है वह है 6 मीटर, जबकि सलमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है वह है 6 मीटर। मनदीप कौन है, पंजाबी होगी इसके नाम है मनदीप। तो हम लोगों को बताना है कि रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है बात कि रेशमा जो है एक बॉल फेंकती है इसके पास, सलमा के पास, जो कि 6 मीटर पे दूर खड़ी है। सलमा पास करती है गेंद, भेजती है किसको, मनदीप को, और मनदीप फिर भेजेगा किसको, रेशमा को। तो इतना जो कांड हो रहा है, इस कांड में बोल रहा है कि रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, आप निकाल करके बताइए। हम लोग थ्योरम नंबर 10.3 अप्लाई करेंगे यहां पर और बहुत कुछ सीखेंगे। जो बच्चे को आइसोसेलस ट्रायंगल का एरिया पता होगा उसके लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान होगा, अदरवाइज कंस्ट्रक्शन करके भी इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। तो हम दोनों प्रोसेस बताते हैं कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार हम क्वेश्चन को भी पढ़ के बता देते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि थ्री गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम। एक गेम खेलती है तीन लड़कियां जिसका नाम है रेशमा, सलमा और मनदीप, बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस, एक 5 मीटर रेडियस वाला, एक 5 मीटर रेडियस वाला सर्कल पे गेम खेलती है। और क्या बोलती है, एक गेम मतलब वो खेल रही हो, एक पार्क है, सर्कुलर पार्क है। रेशमा थ्रो अ बॉल, रेशमा थ्रो मतलब एक बॉल वो फेंकती है किसके पास, टू सलमा, सलमा के पास फेंकती है, सलमा टू मनदीप, फिर सलमा भेजती है मनदीप को गेंद, ठीक है, मनदीप टू रेशमा, मनदीप टू रेशमा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन, फिर मनदीप रेशमा को गेंद फेंकती है, फिर बोला क्या, द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड द डिस्टेंस बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर, यानी कि रेशमा से संदीप का जो डिस्टेंस है, संदीप से मनदीप का जो डिस्टेंस है वह है 6 मीटर का। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मनदीप एंड रेशमा, मनदीप और रेशमा के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वह बात को हम लोग लिख लेते हैं, क्या गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन, हमें पता था डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा इज इक्वल टू, बोल सकते हैं इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन सलमा एंड मनदीप, नाम है तो कैपिटल में लिखाएगा, मनदीप इज इक्वल टू 6 मीटर, इज इक्वल टू 6 मीटर। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखे तो यह देखने में आइसोसेलस ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन हमें डिस्टेंस निकालना है, ये और ये निकाल करके ऐड कर दे तो बात बन जाएगा। हम बोले अप्लाई करते हैं अगर हम लोग थ्योरम 10.3, तो कुछ बात समझ में आएगा कि हम लोग ये बात जानते हैं कि किसी भी सर्कल में कोर्ड जो होता है, कोर्ड जिसको हिंदी में बोला जाता है जीवा, और सेंटर, ये सेंटर को बोला जाता है केंद्र, केंद्र से अगर हम जीवा पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको वो बाइसेक्ट करता है, यानी दो इक्वल पार्ट में बांटता है। अगर ये पार्ट निकाल लेते हैं, ये डिस्टेंस निकाल ले, इसका 2 टाइम्स कर दे, तो हमें पता चल जाएगा ना कि मनदीप और रेशमा के बीच का डिस्टेंस क्या है।
तो थोड़ा सा भेजा लगाते हैं, हम लोग को यह बात पता है कि इसका रेडियस जो है वो 5 मीटर का है, ध्यान समझना, इसका रेडियस है 5 मीटर का, और इसको इससे ज्वाइन करा देते तो ये भी तो आ जाता है अपना 5 मीटर रेडियस का ही। तो यहां पर हम देख पा रहे कि दो रेडियस के कारण दोनों इक्वल दिख रहा है, यानी कि एक आइसोसेलस ट्रायंगल बना रहा है। ये कैसा ट्रायंगल बना रहा है? आइसोसेलस ट्रायंगल बना रहा है। ORS एक कैसा ट्रायंगल बना रहा है? आइसोसेलस ट्रायंगल बना रहा है, क्योंकि इसके दो साइड इक्वल है, यानी कि समद्विबाहु बाहु त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर है, ये भी 5 और ये भी 5। तो यहां पर हम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एक आइसोसेलस ट्रायंगल बना रहा है, आइसोसेलस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। तो आइसोसेलस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? d/4 रूट अंडर 4a² - b², तो ये अप्लाई करके हम इस ट्रायंगल का एरिया आराम से निकाल सकते हैं। और एक और चीज ध्यान देना, अभी थोड़ी देर पहले हम बात किए थे थ्योरम 10.3 का, या इस पे परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है कोड पे, सेंटर से जो कोड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है तो वो क्या करता है, उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, और साथ ही साथ जब ये 90 डिग्री बना रहा है, ध्यान देना ये 90 डिग्री बना रहा होगा, तो कुछ बात समझ में आ रहा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट भी होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, इसको बेस और इसको हाइट मान लेंगे तो हाइट आराम से फाइट करके निकल के आएगा, और इसी हाइट का 2 टाइम्स करेंगे तो हमें पता चलेगा रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस। यानी कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS को दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। एक तो बोले कि आइसोसेलस ट्रायंगल से निकलेगा, तो आइसोसेलस ट्रायंगल से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ जाएगा, लेकिन दूसरे मेथड से हम लोग को क्या पता नहीं चल पाएगा, अरे हाइट नहीं पता चल नहीं है तो क्या नहीं पता चल पाएगा, एरिया नहीं पता चल पाएगा, लेकिन वहां से हाइट फाइट करके निकल के आ जाएगा ना, क्या होगा। तो देखो वही करते हैं हम लोग, चलते हैं इन किस ट्रायंगल में चलते हैं, तो इन आइसोसेलस ट्रायंगल, इन आइसोसेलस ट्रायंगल ORS, ORS क्यों आइसोसेलस ट्रायंगल है, बिकॉज बोल सकते हैं कि OR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू 6 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, 6 मीटर, कितना 6 मीटर। क्यों है ऐसा? तो दोनों एक ही सर्कल का रेडियस है, समझ में आ रहा बात, ये एक आइसोसेलस ट्रायंगल है। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज बोल सकते हैं, इसलिए इसलिए बोल पाएंगे हम लोग क्या चीज, एरिया ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल ORS इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बोलता है, b/4, ठीक है, b/4। या देखो और सिंप्लीफाई करना चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल इज इक्वल टू सिंपल सा फॉर्मूला 1/2, इसको चलो मान लेते हैं q, हाफ बेस किसको मान के चलते हैं हम लोग, OS को बेस मान लेते हैं, OS को into परपेंडिकुलर हाइट किसको, RQ को, समझ आ रहा बात, बेस into हाइट। तो इससे हम लोग कभी भी कुछ निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हम लोग को तो बेस पता है लेकिन हाइट नहीं पता है, और हाइट जैसे ही निकलता है तो हाइट के 2 टाइम्स करने पर क्या निकल के आ जाता है, मनदीप और रेशमा के बीच का डिस्टेंस। तो आइसोसेलस ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला हम लोग पढ़े कि d/4 रूट अंडर 4a² - b² होता है, जहां b रिप्रेजेंट करता है बेस को, जबकि a रिप्रेजेंट करता है इक्वल साइड को, इक्वल साइड यानी 5-5 वाले को, बेस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है RS यहां पे, समझ रहे बात, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ OS मल्टीप्लाई PQ। अब देखो ये से तो ये कैंसिल हो गया, बेस तो बेस बोले तो RS, बेस बोले तो RS, समझ में आ रहा है, बाय टू रूट अंडर 4 ए स्क्वायर बोले तो इक्वल साइड, इक्वल साइड में क्या बोल सकते हैं, OR बोल सकते हैं या OS बोल सकते हैं, जबकि RS की जगह पर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या चीज 6 मीटर, समझ में आ रहा बात, 4 into a² तो ए की जगह पर इक्वल साइड क्या है 5 मीटर, इसका चढ़ गया स्क्वायर, माइनस बी मतलब बेस, बेस बोले तो 6 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू OS, ये तो कैंसिल हो गया था, OS बोले तो 5 मीटर, कितना, और PQ बोले तो नहीं पता, सॉरी PQ लिख दिया, RQ बोले तो नहीं पता, वही तो निकाल लेंगे तो बात बन जाएगा,
आर क्यू एज इट इज रह गया, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहां तक। दो से दो तीआई का छ, यानी से यहां आया 3 मीटर, ठीक है। अंडर रूट 4 × 25 = 25 मीटर स्क्वायर माइनस 6 × 36 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मीटर × r³। दिक्कत तो नहीं होना चाहिए था, 3 मीटर और 25 चौका हो गया 100 मीटर स्क्वायर माइनस 36 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट इज इक्वल टू 5 मीटर × r³। अभी कवरेज एरिया में है तो यहां से आ जाता है 3 मीटर × 100 में से 36 जाएगा तो बचेगा बचेगा कितना 64 मीटर स्क्वायर। अंडर रूट इज इक्वल टू 5 मीटर × r³। अभी भी है, दिस इंप्लाइज 3 मीटर × 64 का रूट क्या होता है 8। समझ में आ रहा बात, स्क्वायर है तो निकल के सिंगल मीटर, 5 मीटर × r³। और इस प्रकार हमने देखा यहां से कि r³ इज इक्वल टू जो सट्टा मारे फट्टा डाले बट्टा, तो 3 मीटर × 8 मीटर डिवाइडेड बाय चला गया 5 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, r³ इज इक्वल टू 24/5 मीटर, और r³ इज इक्वल टू डिवाइड करने पर आ गया था 4.8 मीटर। 4.8 मीटर आर से क्यू तक का डिस्टेंस है, जबकि थ्योरम 10.3 क्या बोला, यह इसके इक्वल है, यानी इसका दुगुना बोल सकते हैं। सो हम बोल पाएंगे क्या चीज कि RM इज इक्वल टू 2 times of r³, यानी कि 2 × 4.8 मीटर यानी कि 9.6 मीटर। हेंस हम बोल पाएंगे क्या चीज, द डिस्टेंस बिटवीन मनदीप एंड रेशमा इज इक्वल टू 9.6 मीटर, जो कि हमें निकालना था, द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो बोल सकते हैं हेंस द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा एंड मनदीप इज इक्वल टू 9.6 मीटर। आंसर, जो बच्चा को हम बोल रहे हैं कि फॉर्मूला आइसोसेलेस ट्रायंगल का नहीं आता, वो बच्चा इस क्वेश्चन को कैसे बनाता, ये भी बात हम समझे तो ज्यादा बेहतर होगा, समझे, ठीक है। जो बच्चा को ये फॉर्मूला नहीं आता वो कैसे बनाता, तो हम देखेंगे वो भी चीज इसी वीडियो में। देखो क्या करते हैं हम लोग, यहां पर इसको डालते हैं इससे एक परपेंडिकुलर, और फिर से अपना वही थ्योरम लगा देंगे। देखो ध्यान समझना इस बात को, बहुत इजी लगेगा। फिर हम बोलेंगे थ्योरम अपना सिखाया 10.3 कुछ बात कि जब इसको परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये बाइसेक्ट करेगा, इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, और जैसे ही बाइसेक्ट करेगा तो ये बचेगा 3 मीटर और इधर बचेगा 3 मीटर। बात को समझना, बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, और इसका नाम कुछ दे देते हैं अपना नाम से भी, ठीक है। तो हम देखेंगे जैसे कि ओ भी जो होगा वह परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, आर एस पे, साथ ही साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा तो ये 3 मीटर का होगा, ध्यान समझना 3 मीटर का होगा। तो हम बोल देंगे आर वी इज इक्वल टू 3 मीटर, समझना बात को। अब ध्यान से देखो, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग को क्या पता है, हाइपोटेनस पता है और बेस पता है, नहीं पता है परपेंडिकुलर, नहीं पता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस इज इक्वल टू हाइपोटेनस, ओआर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि ओबी स्क्वायर प्लस स्क्वायर आरबी स्क्वायर, कहानी ऐसे भी बनता, ओआर के जगह पर कितना 5 मीटर का स्क्वायर, ओबी के जगह पर कितना, ओबी के जगह तो लोभी है कुछ नहीं पता है तो ओबी छोड़ देंगे, ओबी स्क्वायर प्लस आरबी के जगह पर कितना 3 मीटर का स्क्वायर, यही तो बात बोला गया था, थ्योरम किससे लाया गया था ये बात, तो 10.3 से लाया गया था, ये 25 मीटर स्क्वायर, 3 × 9 − 9 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, यानी कि ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मीटर स्क्वायर, यानी कि ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट 16 मीटर स्क्वायर, यानी कि निकल के आ गया 4 मीटर। तो हमें यहां से पता चल जाता परपेंडिकुलर हाइट, बात को समझना, परपेंडिकुलर हाइट निकल जाता तो आराम से ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट, वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, विदाउट आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हम इस क्वेश्चन को रोक कर पाते और बोलते एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस,
इज इक्वल टू हाफ बेस, बेस क्या था 3 × 6, बेस क्या था 6 मीटर, और मल्टीप्लाई हाइट निकाले 4 मीटर, मल्टीप्लाई क्या निकाले हाइट 4 मीटर, और 2 × 6 और 12 × 43 4 × 12 मीटर स्क्वायर, तो निकल के आ गया इस ट्रायंगल का एरिया 12 मीटर स्क्वायर। दूसरे मेथड से भी हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते थे, बेस लेते 5 को और परपेंडिकुलर हाइट लेते 8 को, समझ आ रहा बात? ठीक है, तो बोल सकते थे, हाँ तो हम बोल सकते थे, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरे शब्दों में कि बोलते एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस इज इक्वल टू हाफ, और इस स्थिति में बेस किसको ले लेते हैं हम लोग OS को, जबकि हाइट नहीं पता, वही तो निकालना है, किसको लेते आर क्यू को, किसको लेते आर क्यू को, समझ में आ रहा बात कि नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते थे इसके बाद, चलो एक चीज यहाँ पर हम लोग लिख दिए गलती से, मिस्टेक, बोले थे सही, यहाँ 6 मीटर नहीं होगा, यहाँ पर 5 मीटर होगा, टेंशन नहीं लेना ज्यादा। ठीक है, यहाँ देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम बोल सकते थे इसका बेस और इसका ये हाइट, समझ आ रहा बात? एरिया ऑफ ट्रायंगल हम किधर से भी लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल चेंज नहीं होगा, यहाँ पर बेस अब ले लेंगे हम किसको OS को, और परपेंडिकुलर हाइट लेंगे RQ को, तो यहां से निकल के क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई OS, तो OS मतलब 5 मीटर, OS मतलब हो जाता है 5 मीटर, और RQ नहीं पता है, दोनों एक ही ट्रायंगल का एरिया है, तो दोनों को आमने सामने हम पटक के रख देंगे, तो बोल सकते हैं, और मान लो इसको पहला बात है, इसको दूसरा बात मान लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों जब सेम ही ट्रायंगल का एरिया है, तो बोल पाते क्या चीज की बोलती, तो बोलते ना कि 12 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 5 मीटर अब मल्टीप्लाई आर क्यू, बोलते कि नहीं बोलते? तो देखो 12 × 2 क्या हो जाता है, 12 × 2 = 24 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मीटर मल्टीप्लाई आर क्यू, यानी कि आर क्यू इज इक्वल टू 24 मीटर स्क्वायर बट्टा में 5 मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल, और ये जब हम 5 से 24 में भाग लगाते फिर से देखो कहानी वही आता कि नहीं आता, सेम कहानी 4.8 मीटर आता, और 4.8 मीटर का 2 टाइम्स करते तो हमें पता चल जाता है रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस। इस बच्चे को अगर यह फॉर्मूला नहीं आता है तो बच्चा ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, सबको सुधार लेना है। ठीक है, चलो इसको कर लो नोट।